आर भारत टीवी चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ क्षमा प्रवीण, जहां बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से कराते हैं आपको रूबरू, दिखाते हैं आपके जिले और शहर की भी खबर। तो चलिए देखते हैं आज की ताज़ा खबर, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें आर भारत टीवी चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भारत टीवी और मैं हूँ आपके साथ मोहन राम। कैमूर जिला स्थित रामपुर प्रखंड के CRC मध्य विद्यालय खजुरा में शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रशिक्षण दिया गया। आइए देखते हैं इसके संबंध में CRC चंद्रशेखर आजाद, ट्रेनर शशिकांत मिश्रा, अरविंद कुमार इत्यादि लोग क्या कहते हैं। मुख्य रूप से तो है कैचअप कोर्स का, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है, लेकिन यहाँ इसके साथ साथ दो तीन चीज़ों का हम लोग जानकारी दे रहे हैं। पहला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर लेबर, जिसे हम कहते हैं मूलभूत स्तर। अब मूलभूत स्तर में क्या है कि बिल्डिंग, ब्लैकबोर्ड, डस्टर, बैठने का स्थान, शौचालय की क्या स्थिति है, फंक्शनिंग है कि नहीं, साफ सुथरा है कि नहीं, ये है फंक्शनिंग। उसके बाद साफ सफाई है, कोरोना काल में इसकी आवश्यकता और बढ़ गई है, तो ये है। और फिर दूसरा जो है कि जो कैचअप कोर्स दिया गया था, जो बच्चों का छूटा हुआ था पढ़ाई, तो उसको पूर्व ज्ञान को, हम जो पहली कक्षाओं के ज्ञान को है, जो जिस कक्षा में वो प्रमोटेड हुए हैं वहाँ जाने पर उनको कोई दिक्कत ना हो, तो उसको को रिलेट करने के लिए, उसका पूर्व ज्ञान बताने के लिए कैचअप कोर्स चलाया जा रहा था। मध्य विद्यालय बिलाव गौरी शंकर तिवारी सहायक शिक्षक। जितनी भी कोर्सें चल रही है शिक्षा विभाग के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट तक, ये सबका मूल उद्देश्य है शिक्षा को फिर पटरी पर लाना, रास्ते पर लाना और बच्चों को जागरूक करना, जागृति पैदा करना कि बच्चे शिक्षा के प्रति आकर्षित हों। और सबसे बड़ी बात है कि 133 दिनों के बाद स्कूल खुला और 72,000 विद्यालय खुला, और अभी तक उपेक्षित हैं विद्यालय, जो कि बाढ़ ग्रसित जो इलाका है अभी तक विद्यालय नहीं खुला। अब मूल उद्देश्य क्या है, मूल इसका फंक्शन क्या है, विद्यार्थियों को, बच्चों को जागरूक करना, शिक्षा के प्रति आकर्षित होना। ये प्रशिक्षण जो दिया जा रहा है किस उद्देश्य से दिया जा रहा है? किस उद्देश्य से दिया जा रहा है कि हमारा जो विद्यालय है कोरोना काल में जो बंद था, अभी खुल रहा है, इसके उद्देश्य से सभी शिक्षकों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि बच्चे अपने घर से पर आ रहे हैं, साफ सफाई सैनिटाइजर विद्यालय की होनी चाहिए, चंपा कल की व्यवस्था होनी चाहिए और शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सब हम लोग शिक्षकों को जागरूक कर रहे हैं। और इसके बाद कैचअप कोर्स है, जो कोरोना काल में पढ़ाई जो बाधित हुआ था उसको हम लोग पकड़ने के लिए, गैपिंग को मतलब कि पकड़वा कर बच्चे को विकास करने के लिए यह हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं। सर पर्चे सर आपका? हम समन्वयक हैं, चंद्रशेखर आजाद मेरा नाम हुआ। और एक से लेकर के 12 तक की क्लास की किताब है, इसमें गैलो है। COVID-19 के कारण जो बच्चों के पढ़ाई बाधित हुआ है उसमें निरंतरता लाने के लिए सरकार ने जो है एक डिजिटल क्लास की जो है शुरुआत की। मैं अरविंद कुमार, प्रखंड शिक्षक, राजकीय बुनियादी विद्यालय के बंद हो चुका। और एक है कि COVID-19 का टीकाकरण, यदि ये संक्रमण का रोग नहीं होता तो हम लोगों को मास्क पहनने की इजाज़त नहीं होती। तो यदि हम शिक्षक ही यदि COVID-19 का टीकाकरण नहीं करवा पा रहे हैं तो बच्चों के बीच रहने का अधिकार हम लोगों को नहीं है। इसलिए हम चाहेंगे कि यदि जो शिक्षक बचे हुए हैं वो अपने आप जाकर वैक्सीनेशन करा। सर आपका पर्चे, सर आपका पर्चे। प्रधानाध्यापक कर्मी मध्य विद्यालय बेलाउं, श्याम बलिराम।